पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि उनका सपना है कि किसी भी मां को चूल्हे के धुएं से जूझना ना पड़े। योजना कामयाब भी रही, लेकिन महंगाई ने कैसे कैसे उज्ज्वला योजना के सिलेंडर को साइट कर दिया है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जाए। जब 20 लाख गैस सिलेंडर उस गरीब परिवार में पहुंचेंगे जहाँ का रसोड़ा किचन धुएं से भरा हुआ रहता है, आप मुझे बताइए उस मां को कितना सुख मिलेगा। क्या चला गया एलपीजी चूल्हे का जमाना? क्या फिर लकड़ी उपलों में ही है कलेजा जलाना? जी हां, यह हकीकत उन गरीब परिवारों की जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुछ साल पहले मुफ्त सिलेंडर मिला था। लगा था कि अब चूल्हा फूंकने से राहत मिलेगी, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर यूटर्न मार दिया। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। ये है नसीमुन। बुढ़ापे में इन्हें अब फिर से चूल्हा फूंकना पड़ रहा है। घर में सिलेंडर जरूर है, लेकिन वो अब धूल खा रहा है क्योंकि सिलेंडर भराना अब इनके बस की बात नहीं। अब का क्या करें भैया, फिर कैसे भरवाएं? दिक्कत होती है। कितने का सिलेंडर मिल रहा? अब सिलेंडर भैया का पता कितने का मिला था, जब हमका कोई वो नहीं है तो क्या बताएं। पहले भरवाती थी? नहीं, जब मिला था वही, जब भरा रहा है बस। बाराबंकी के भिटौली कला गांव के सलमान अनाज बेचते हैं। उनकी पत्नी शबीना गैस पर खाना जरूर पका रही हैं, लेकिन ये चिंता उन्हें भी सता रही है कि गैस खत्म हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन जो है गैस ना हो तो बहुत दिक्कत है। पहले तो चूल्हे पे बनाते थे, तभी लकड़ी थी, अब तो लकड़ी है नहीं इतनी, तो गैस पे बनाते, लेकिन जो है महंगाई की वजह से बहुत दिक्कत है। सलमान और शबीना को जब फ्री में गैस सिलेंडर मिला था तो उनकी बाछें खिल गई थी। खाते में सब्सिडी का पैसा भी कभी 400 कभी 500 रुपए तक आता था, लेकिन अब सिलेंडर 700 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है और सब्सिडी आ रही है 35 रुपए। ये देखिए, सलमान का जो पासबुक है, ये साल 2018 की एंट्री, 24/10/2018 की एंट्री में 414 रुपया 22 पैसे की सब्सिडी मिली है। वहीं अगर अब करंट का दिखाऊं आपको, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी ऑफ ₹35.90 फॉर एलपीजी ऑर्डर नंबर इतना इतना डेटेड 23/12/2020, यानी कि आज से लगभग 2 महीना पहले जो सब्सिडी मिली है वो सिर्फ 35 रुपये की मिली है, और 2 साल पहले जो सब्सिडी मिली है वो 414 रुपये की मिली है। 2 साल पहले ऐसा था कि जितनी मतलब सब्सिडी वापस आ जाती थी 405 रुपये का सिलेंडर पड़ता था। उसके बाद में अगर 600 रुपये का मिलता था सिलेंडर, तो उसमें से जो पैसे माइनस करके 450 रुपये की गैस, उसके बाद में जो है सारे पैसे वापस आ जाते। अब हाल ये है कि दिन के दिन यानी बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी के गरीबों के घर घर की यही कहानी है। गुड्डी से मिली है महंगे सिलेंडर की मार के चलते अब ये खाना पकाने के पुराने फॉर्मूले पर लौट आई हैं। घर में उपले सूख रहे हैं, चूल्हा फिर से तैयार हो रहा है। गैस की बढ़ती कीमत और घटती सब्सिडी के चलते आखिर सिलेंडर भराएं भी तो कैसे। गैस जब पैसा खत्म हो जाते हैं तब नहीं भरा पाते, तो चूल्हे पे बनाते हैं। बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी नहीं खत्म हो जाता तो भरवाए नहीं पाते हैं। मजदूर आदमी कैसे बच्चन का खाएं, कैसे गैस भराएं। बाबू और उनकी पत्नी रिकुन निशा भी महंगी गैस और कम सब्सिडी की मार झेल रहे हैं। बाबू का एक हाथ खराब है और रिकुन निशा स्कूल में आया का काम करती हैं। पिछली बार गैस भराई थी और अब डर ये है कि ये खत्म हुई तो नया सिलेंडर कहाँ से आएगा। एक एक 15-15 दिन, एक एक महीना हम लोग चूल्हे में बनाते हैं। जब पैसे नहीं है तो कैसे मंगाएं? इतनी महंगी मतलब सिलेंडर है, नहीं पैसा काम नहीं लगा तो फिर अब बैठे हैं। कोरोना में जब पहला सिलेंडर फ्री हुआ तो वो लाए थे, तो पूरा पैसा उसका वापस आ गया। उसके बाद से हमने जितने सिलेंडर भराए हैं वो सब्सिडी कोई नहीं, सिर्फ 35 रुपये आते हैं उसमें से। उज्ज्वला योजना में महिलाओं के पास चूल्हा और सिलेंडर तो फ्री में पहुंच गया, लेकिन जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है, वो 800 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेंगे।
तो ऐसे में 800 रुपए का सिलेंडर भराएं तो भराएं कैसे, क्योंकि सब्सिडी मात्र 35 रुपए है और सिलेंडर की कीमत 850 के आसपास। ऐसे में अब महिलाएं फिर से तैयारी कर रही हैं कि वो चूल्हे पे खाना बनाएं और घर का किसी तरह से पेट पालें। ऐसे में बाबू जैसे तमाम सारे लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार गैस सिलेंडर या तो सस्ते करे या सब्सिडी का रेट बढ़ाए और सब्सिडी समय पर दे, ताकि उज्ज्वला गैस योजना का जो लाभ है वो इन गरीबों को मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ बाराबंकी। समाज की सच्चाई सरकार को दिखाने वाला हमारा ये नमस्ते भारत प्रोग्राम लगातार ऐसी खबरें आपको दिखाता है, इसीलिए हमारे प्रोग्राम को आज एक साल हो गया है। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। यूपी के बाद आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। हालात यहाँ भी बिल्कुल अलग नहीं, सब्सिडी कम हुई तो लोग दूर से ही सिलेंडर सलाम करके अब साइड हो रहे हैं। हम आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी महिलाओं ने सिलेंडर को बक्से में बंद कर दिया है और फिर से चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिलेंडर महंगा हुआ तो लोगों के लिए इसे लेना मुश्किल हो गया। आखिर करें भी तो क्या, कमाई कम हो गई है और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। अब हम दो महीना से नहीं भरवाया महंगे की वजह से। कितने का आ रहा है सिलेंडर? 840। नहीं भरवा, पैसे ही नहीं हो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 200 रुपया लगती है मजदूरी, और ले आते हैं सो नाच पानी ले लेते। पहले 660 का भी था, फिर 750 का भी हो गया था, अब 840 का सब्सिडी नहीं बंद हो गई। अब आपको एमपी के सिवनी का हाल बताते हैं। यहाँ 1,73,000 गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। लोगों की शिकायत है कि साल भर तो सब्सिडी मिली लेकिन उसके बाद सब्सिडी आना बंद हो गई, लिहाजा सिलेंडर का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। हमने लाए गैस कनेक्शन, एक साल तक सब्सिडी आई है, उसके बाद में सब्सिडी नहीं आई, हम क्या करेंगे, अब बच्चों कैसे खर्च पालेंगे, या सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं, इतनी महंगी गैस हो गई, चूल्हा ही तो जला नहीं पा रहे। एक साल तक के सब्सिडी आई है, इसके बाद में हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, अब तो चूल्हा ही जलाने पड़ेगा, गैस तो बहुत महंगी है, ककार है, गरीब आदमी कमाना खाना करेंगे तो गैस भरवाएंगे, इसलिए तो अब तो चूल्हा ही जलाना पड़ेगा हमको, हम नहीं भरवाएंगे अब गैस, इतनी महंगी गैस कौन चलाएगा। हमने गैस लिए है तो एक साल भर सब्सिडी आई, उसके बाद से सब्सिडी नहीं आ रही है, और लकड़ी कंडा गैस बहुत महंगी है तो हम भरवा नहीं सक रहे, मजबूर हैं। बड़ा सच ये है कि इस योजना में जुड़े ज्यादातर परिवार बेहद गरीब हैं। जब योजना शुरू हुई थी तब भी सिलेंडर का पैसा एक साथ देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आने से उन्हें थोड़ी राहत थी, लेकिन अब जब सब्सिडी कम हो गई है तो इनकी मुश्किल और बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साल 2019-20 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने साल में औसतन 3 सिलेंडर लिए। सीएजी की दिसंबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 14 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक 500 से 837 रुपए तक चढ़ती उतरती रही। 2018 के एनएसओ के सर्वे के मुताबिक भारत में 20% गरीब परिवारों के महीने की आय औसतन 1,065 रुपए है। ऐसे में महीने की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सिलेंडर भराने के लिए चाहिए। पिछले कुछ महीनों में सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी है और सब्सिडी भी कम हुई है। गरीब परिवारों तक सिलेंडर पहुंचे, इसलिए लाखों सक्षम लोगों ने अपने हिस्से की सब्सिडी छोड़ दी। सरकार ने भी गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा दिया, लेकिन मुफ्त का चूल्हा और सिलेंडर तभी काम का है जब तक इसके दाम गरीबों की पहुंच में है, वरना मिट्टी के चूल्हों के दिन फिर लौट आएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।